क्या होगा अगर हमको ब्लड लाइन वर्सेस ब्रे वायट और उनके जो फैमिली मेंबर्स वापस आए हैं उनका एक मैच देखने को मिल जाए। जी हाँ गाइस, सोलो सिकोवा ने बोला है कि आई सी ब्रे वायट केम बैक विद सम फैमिली मेंबर्स, वी हैव गॉट सम फैमिली मेंबर्स टू। यानी कि मैंने सुना है कि ब्रे वायट जो है भाई अपने फैमिली मेंबर के साथ वापस आया है, लेकिन उसको मैं बता दूँ कि हम भी फैमिली मेंबर्स एक साथ ही यहाँ पर काम करते हैं। तो इस तरह से वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्यों ना फैमिली मेंबर ऑफ ब्रे वायट वर्सेस फैमिली मेंबर ऑफ रोमन रिंग्स यानी कि ब्लड लाइन के साथ एक तगड़ा मैच हो सकता है। मतलब वो एक तरह से हिंट दे रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं अगर ऐसा मैच होने वाला होगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा, इवन मोर देन रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक, क्योंकि फिंड का ये कैरेक्टर और उसकी फैमिली वर्सेस द ब्लड लाइन, भाई समझ सकते हो क्या लेवल होगा उस चीज़ का। और हाँ, स्पीयर वर्सेस स्पीयर अगेन, यानी कि रोमन रिंग्स वर्सेस द गोल्डबर्ग का मैच फिर से फिक्स हो चुका है गाइस, एक और बार हमको देखने को मिलने वाला है। इसमें मतलब एलिमिनेशन चैम्बर में जब 2023 में होने वाला है, जो फरवरी के मंथ में होगा, ठीक है, कनाडा में बुक हो चुका है, रोमन रिंग्स वर्सेस गोल्डबर्ग ऑफिशियल हो चुका है। अब ये टाइटल है या नॉन टाइटल इसका मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट स्टिल ये मैच फिक्स हो चुका है, देखते हैं इस बार क्या नया होने वाला है। लेकिन एक मजेदार अपडेट एक और है भाई, इसमें द शील्ड भी रिलेटेड है। देखो इसमें एक्चुअली होने क्या वाला है, रोमन रिंग से पूछा गया कि आपका ड्रीम मैच क्या है, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि रेसलमेनिया के अंदर अगर हम तीनों, ठीक है, हम तीनों भाई जो हैं शील्ड के काफ़ी धमाल मचा चुके हैं और मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट है इन तीनों की, बट अगर हम तीनों का मैच हो, ट्रिपल थ्रेट मैच, रोमन रिंग्स वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस, तो ये एक ऐसा मैच होगा जो कि मेरा एक ड्रीम मैच होगा रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने का। और सच में भाई अगर रोमन रिंग्स ये चाहते हैं और सच में अगर ऐसा हो गया, आई डोंट नो ये कभी हो भी पाएगा कि नहीं, बट अगर ऐसा होता है ना तो यार इस मैच को देखने के लिए माँ कसम मैं घर बेच के जाऊँगा रेसलमेनिया देखने, खुद को बेच के, पापा घर तो देने नहीं वाले, वो घर देना थे। लेकिन मैं तुम्हें एक और मजेदार अपडेट देता हूँ कि ब्रे वायट के जो अंकल हाउडी वाले कैरेक्टर जो आए हुए हैं ना, वो मतलब पता चल चुका है कि कौन है। हाँ देखो, वो आए हुए थे स्मैकडाउन में, ठीक है, वो कहते हैं कि तुम जो मास्क पहने हो, मैं जो मास्क पहना हूँ, हम दोनों बिल्कुल एक हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग वो कोई और नहीं, वो बो डैलास ही हैं, जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, इनको पहले आप देखा करते थे टैग टीम के अंदर। रूमर्स तो यही है कि भाई यही बंदा है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी इनसे मिल रही है। मतलब कुल मिला के बहुत सारे कैरेक्टर्स जिनका यूज़ नहीं हो रहा था WWE के अंदर, वो बनने वाले हैं फैमिली मेंबर्स ब्रे वायट के, और उनको सही तरीके से पूरा यूटिलाइज करेगी WWE। और अगर तुम्हें भी यूटिलाइज होना है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। बाय बाय।